In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Armish Khan, you are watching CGPA Genius. My dear students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about laser diodes. Okay बच्चे, actually laser diodes क्या है? Semiconductor lasers की type में आ जाता है. Okay बच्चे, semiconductor के बारे में हम जानते ही हैं. सेमीकंडक्टर की टाइप्स होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर पी टाइप मटेरियल आ जाता है, एन टाइप मटेरियल्स आ जाते हैं. क्लियर है ना? ओके, सो लेजर के बारे में हम जानते हैं कि इसकी बीम कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है. ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं. और डायोड्स के बारे में भी हम जानते ही हैं कि इसके अंदर क्या होता है. पी एन जंक्शन होता है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ा था और होल्स को पढ़ा था. होल्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं हमारे पास जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होते हैं हमारे पास? होल्स. ठीक है जी. अच्छा, तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेजर डायोड्स की कंस्ट्रक्शन को. इसकी कंस्ट्रक्शन अगर समझ आ गई तो इसकी वर्किंग को समझना आसान हो जाएगा. तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसके बाद इसकी वर्किंग देखते हैं, उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और फिर हम इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन. ओके, आपने कंस्ट्रक्शन की इस तरह से हेडिंग दे दी. उसके बाद आपने इसको बना के दिखाना है. ऐसे करोगे, ठीक है. उसके बाद ऐसे करोगे. उसके बाद आपने इसको इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से बनाना है. यहाँ पर आपने 3 लेयर्स लेनी है. इस तरह से आएगी, इस तरह से. ओके जी, यहाँ पर आपके पास जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? उसके अंदर आपके पास आता है मेटल कंटैक्ट, जो कि ये है मेटल कंटैक्ट. ठीक है जी. उसके बाद यहाँ पर आपके पास आता है पी टाइप मटेरियल, यहाँ पर आती है इंट्रिंसिक लेयर, इंट्रिंसिक लेयर, और यहाँ पर आपके पास एन टाइप मटेरियल. और यहाँ से इलिप्टिकल रीजन से फोटोन जो रिलीज होते हैं, ये आउटपुट पावर है. ये क्या है आपके पास? फोटोन रिलीज हो रहे हैं, ये आउटपुट पावर है. यानी कि लेजर बीम हमें दिखाई देती है, ये जो कोहेरेंट फोटॉन्स निकलते हैं. तो ये जो है, ये क्या है? मेटल कंटैक्ट. ओके, सो यहाँ से आएगा करंट. ओके जी, तो ये है हमारे पास पी टाइप मटेरियल, ये हमारे पास एन टाइप. पी टाइप का हमें पता है कि यहाँ पर एक्सिस किस चीज़ की होती है? होल्स की. और एन टाइप में हमारे पास एक्सिस किस चीज़ की होती हैं? इलेक्ट्रॉन्स की. यानी कि एक्सिस होल्स की है और बहुत ही कम इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है जी. ओके, तो यहाँ एन टाइप मटेरियल के अंदर एक्सिस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की है और बहुत ही कम क्या है? होल्स है. जैसे ही हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से एक्सिस होल्स और यहाँ से एन टाइप मटीरियल से एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंट्रिंसिक लेयर में अकामुलेट हो जाते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये जितने ज़्यादा अकामुलेट होंगे कैरियर चार्जेस, उतनी ज़्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ेगा इंट्रिंसिक लेयर का, उतनी ही ज़्यादा फिर यहाँ से फोटोन खारिज होंगे. तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन. और ये देखेंगे कि ये किस तरह से ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है, ये हम देखेंगे वर्किंग के अंदर. अब इसकी हम वर्किंग को देखते हैं. अब इसकी जो वर्किंग है उसमें हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, 1, 2 एंड 3. ये आपने सबसे पहला स्टेप होता है एनर्जी एब्जॉर्प्शन का. ठीक है जी. दूसरा स्पॉन्टेनियस इमिशन. और तीसरा क्या है, तीसरा स्टेप उसके बाद होती है स्टिमुलेटेड इमिशन। सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी एब्जॉर्प्शन को, उसके बाद देखेंगे जी एनर्जी एब्जॉर्प्शन होती है सबसे पहले, उसके बाद होती है स्पॉन्टेनियस इमिशन, वो क्या होती है, और उसके बाद देखते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन कि वो क्या होती है। अच्छा जी, सबसे पहले है हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन। तो इसका क्या मतलब है, इसके नाम से ही वाज़ेह है कि यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे होगी एनर्जी एब्जॉर्ब? अब यहाँ पर देखते हैं हम, ये मेरे पास E2 एनर्जी लेवल है जी, ये मेरे पास E1 एनर्जी लेवल है जी, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी ग्राउंड स्टेट, ये मेरे पास हो गई ग्राउंड स्टेट, और ये मेरे पास हो गई एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है जी, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है यहाँ पर, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है एटम, ये मेरे पास एनर्जी E1, ये मेरे पास एनर्जी E2, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। ओके जी, तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में, तो ये इलेक्ट्रॉन E1 से E2 एनर्जी लेवल की तरफ ऐसे नहीं आ जाएगा, या तो ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन के थ्रू आता है E1 से E2 की तरफ, ठीक है, या तो फिर ये स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से आता है। कभी भी स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन E1 से E2 की तरफ नहीं आता, ठीक है। स्पॉन्टेनियस इमिशन में इलेक्ट्रॉन E2 से E1 की तरफ आता है, वो बाद में होता है। सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्प्शन है, जिसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। डायोड है, उसका पीएन जंक्शन है, वहाँ पर हमने वोल्टेज प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, फिर वहीं से एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हमने क्या किया, वोल्टेज प्रोवाइड किया डायोड के पीएन जंक्शन में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो एनर्जी एब्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है E2 एनर्जी लेवल की तरफ आ जाएगा, ठीक है जी, इस तरह से। ओके, तो ये क्या बन गया, होल, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इसने ये एक्साइटेड हो गया, ठीक है जी, E1 एक्साइटेड होके E2 की तरफ आ गया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये स्टे करेगा नैनो सेकेंड्स के लिए, ओके जी। मोस्टली जो लेजर डायोड्स हैं उनमें ये नैनो सेकेंड्स के लिए क्या करेगा, यहाँ पर स्टे करेगा। उसके बाद इसने दोबारा वापस आ जाना है E1 एनर्जी लेवल की तरफ, इसने दोबारा वापस आ जाना है, क्योंकि ये पहले था E1 एनर्जी लेवल की तरफ, ठीक है जी। उसके बाद इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके गया था ऊपर, ठीक है, यहाँ पर नैनो सेकेंड के लिए उसने स्टे किया। उसके बाद ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, होल के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये नैनो सेकेंड्स के लिए इसने स्टे किया, उसके बाद ये वापस आएगा। तो जब ये वापस आएगा, जितनी एनर्जी के साथ ये गया था ऊपर, उतनी ही एनर्जी फिर ये रिलीज कर देगा, और फिर ये प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन। अब जो देखेंगे वो है स्पॉन्टेनियस इमिशन। जिसमें इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद E1 एनर्जी लेवल से E2 एनर्जी लेवल से E1 एनर्जी लेवल की तरफ आता है, ठीक है, खुद ब खुद, और ये फोटोन रिलीज करता है। ओके जी, तो ये होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है जी, जिसमें फोटोन रिलीज हो गया और ये खुद ब खुद E2 से E1 की तरफ आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो निकल रहा है ये कहाँ जाएगा? ये जा रहा है पीएन जंक्शन में, इंट्रिंसिक लेयर में, पीएन जंक्शन में जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर ये एक्युमुलेट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन जो हैं वो रिलीज़ हो, ठीक है, जो लेज़र है उसकी जो बीम है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोहेरेंट फोटोन्स निकलें। तो हम चाहते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है नैनो सेकेंड्स के लिए एक्साइटेड स्टेट में स्टे करता है, E2 एनर्जी लेवल में स्टे करता है, वो नैनो सेकेंड्स के लिए स्टे ही ना करे, ठीक है, वो जल्दी से E1 एनर्जी स्टेट की तरफ आ जाए और यहाँ से ज़्यादा जो है फोटोन्स रिलीज हो और हमें कोहेरेंट बीम नज़र आए हाई इंटेंसिटी की, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम स्टिमुलेटेड इमिशन करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। इस यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो नैनो सेकेंड के लिए यहाँ रहेगा, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से आ जाए नीचे, इसीलिए उसको क्या कर देंगे, स्टिमुलेट करेंगे। और वो स्टिमुलेट कौन से फोटोन करेंगे? वो स्टिमुलेट यही फोटोन करेंगे जो कि अकामुलेट हो रहे हैं पीएन जंक्शन में, ठीक है, वो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इसको स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है जी, तो ये यहाँ से यहाँ आ चुका है, इसको हमने स्टिमुलेट किया है। वो जो स्पॉन्टेनियस इमिशन से फोटोन रिलीज हुआ था ये वो ही है, ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टिमुलेट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है जी, स्टिमुलेटेड इमिशन के अंदर। तो यहाँ से फोटोन, दो फोटोन रिलीज होंगे। स्टिमुलेटेड इमिशन के अंदर ये है कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, कि वो एनर्जी लेवल E2 से E1 की तरफ आ जाए। तो यहाँ पर एक फोटोन है, ठीक है, तो यहाँ से इसीलिए दो फोटोन निकल रहे हैं। अगर यहाँ पर हम दो फोटोन प्रोवाइड कर देते तो यहाँ से चार फोटोन्स निकलते, ठीक है जी, तो यहाँ से फिर चार फोटॉन्स निकलते, ठीक है जी, रिलीज होते, ओके, 4 फोटॉन्स यहाँ से रिलीज होते, यानी एनर्जी रिलीज होती और इलेक्ट्रॉन E2 एनर्जी लेवल से E1 एनर्जी लेवल की तरफ आ जाता, ठीक है जी। ये है हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन। ओके, तो अब हम देखते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स को, इसकी करैक्टरिस्टिक्स। इसकी करैक्टरिस्टिक्स में हमारे पास बनेगा पीआई ग्राफ, यानी कि करंट लोगे यहाँ पर, आउटपुट पावर लोगे यहाँ पर वाई एक्सिस पर, ठीक है जी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर करंट है जो कि आप प्रोवाइड कर रहे थे पीएन जंक्शन को, और यहाँ से जो है आउटपुट में हमें जो आउटपुट पावर निकल रही है, जो लेजर बीम हमारी हाई इंटेंसिटी की हमें मिलती है, वो हमारे पास क्या है, पावर, आउटपुट पावर जो कि आप वाई एक्सिस पर ले रहे हो। ओके जी, तो पीआई ग्राफ है ये, इसमें हमने करैक्टरिस्टिक्स देखनी है कि वो जो वर्किंग में 3 स्टेप्स देखे, 3 प्रोसेस देखे। सबसे पहले क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस, नहीं, सबसे पहले क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, उसके बाद स्पॉन्टेनियस इमिशन, उसके बाद स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस ग्राफ में शो करना है हमने, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है करंट के इंक्रीज करने से जो पावर है, आउटपुट पावर, वो ग्रेडली इंक्रीज करती है, वो क्या करती है, ग्रेडली इंक्रीज कर रही है। ये देखें जी, ऐसे आए आप, ऐसे इंक्रीज किया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर 90 का एंगल इस तरह से होता है ना, आपने इस तरह से नहीं बल्कि 90 से बड़ा एंगल इस तरह से लेके जाना है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ ये है हमारे पास थ्री शोड, ये जो है ना पॉइंट, ये है थ्री शोल्ड करंट, इसको क्या बोलते हैं, थ्री शोल्ड करंट। ठीक है जी। और ये जो रीजन है ये है आपके पास स्पॉन्टेनियस इमिशन, यहां से आपके पास आ जाएगा इस रीजन में स्टिमुलेटेड इमिशन, रीजन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। यहाँ से ये जो है स्पॉन्टेनियस इमिशन होती है, कहाँ तक, थ्री शोल्ड वैल्यू तक, थ्री शोल्ड पॉइंट तक। ठीक है जी। आपके पास जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है जिसमें क्या हो रहा था, फोटोन रिलीज हो रहा था, और वो क्या होता है, अकामुलेट होता है पीएन जंक्शन में। ठीक है जी। तो वो कहाँ तक होगा, थ्री शोल्ड पॉइंट तक होगा, उसके बाद स्टिमुलेटेड इमिशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये क्या है, ये है थ्री शोल्ड करंट, और यहाँ से जो है आपके पास ये जो ग्राफ है इस तरह से बनता है, इस तरह से आपने इसको दिखाना है। अब इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन के बारे में हम बताएं तो इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास, बहुत गर्मी है, मुझे पसीना आ रहा है। अच्छा जी, तो एप्लीकेशन में हम ये देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है जी। तो इसकी जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स में वो है CD एंड DVD प्लेयर, वहाँ पर होती है। इसी तरह से जो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं वहाँ पर होती हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें बार कोड रीडर्स, वहाँ पर होती है। अगर हम मेडिकल मशीन्स की बात करते हैं तो मेडिकल मशीन्स में ये एलिमिनेट करने के लिए अनवांटेड टिश्यूज़ को या फिर कैंसर सेल्स को एलिमिनेट करने के लिए ये लेज़र बीम जो है यूज़ हो रहे होते हैं हाई इंटेंसिटी के। इनका जो कलर होता है वैसे रेड होता है, इंफ्रा रेड ये, लेकिन अब ऐसे डायोड जो है इंट्रोड्यूस कराए गए हैं जो कि इस लेज़र डायोड में इसका जो कलर है या तो फिर ब्लू होता है या फिर वायलेट होता है। ओके जी। तो हम ये कहते हैं कि ये जो है इसकी एप्लीकेशन। इसके साथ साथ स्पेक्ट्रोमीटरी है। ठीक है जी। वहाँ पर ये यूज़ होते हैं स्पेक्ट्रोमीटरी में। इसके साथ साथ हमारे पास जो लिडार सिस्टम है, ठीक है जी, ऑटोनोमस व्हीकल्स, उसमें भी ये लेज़र डायोड जो हैं वो यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।